अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव। ये बहुत ही इजी तरीका लेकर आई हूँ मैं चिकन पुलाव बनाने का। जो बिगिनर्स है, जो फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इजी तरीका है। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। ये 2 गिलास चावल है, इनको मैंने पानी में सोख कर लिया है। ये 2 बड़ी प्याज ली है मैंने, 3 हरी मिर्ची, हम अक्खी भी डालने वाले हैं और पेस्ट भी ऐड करने वाले हैं। 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली, ये टोमेटो मैंने चॉप कर कर लिया है, 2 टोमेटो है स्मॉल। ये 1/2 कटोरी दही लिया है मैंने। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। ये पुलाव मसाला है 2 टीस्पून भरकर, हम इसमें और कोई मसाले ऐड नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ इसको पुलाव मसाले में ही बनाने वाले हैं। ये खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 4 लौंग और ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ये आलू हमने लिए हैं, ये 3 आलू है और ये 1/2 लेमन लिया है हमने। चलिए फिर इसको बनाने चलते हैं। ये पतीला ले लिया है मैंने, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गरम हो चुका, खड़े मसाले ऐड कर देंगे इसमें। ये सॉटे कर लिया हमने थोड़ा सा खड़े मसालों को। अब जो प्याज हमने कट करके रखी थी उनको ऐड कर देंगे। प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ये प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है अच्छी तरीके से। हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट था वो ऐड करना है हमें। मेरी हरी मिर्ची थोड़ी फीकी है इसलिए मैंने ज़्यादा ली है, अगर आपकी तेज़ है तो आप हिसाब से डालिए। इसको हमें अच्छे से भून लेना है। भून लिया हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची के पेस्ट को, अब ये टमाटर ऐड कर देंगे। ये जो हमने हरी मिर्ची कट की थी वो ऐड कर देंगे। इसको चला लेंगे अच्छे से। अब इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमारे टमाटरों को गलने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर गल चुके हैं अच्छे से। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं सब। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमें इसको फुल फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फूड विद आफिया को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये हमने दही जो लिया था 1/2 कटोरी, ये ऐड कर देंगे इसमें। ये नमक और हमारा चिकन पुलाव मसाला। अगर आप इसमें चिकन पुलाव मसाला नहीं ऐड करना चाहते हैं, कोई और अपना घर का मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
पर इससे हमारे पुलाव का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही अच्छा बनता है। आप सिर्फ इसमें चिकन पुलाव का जो मसाला है वो ही ऐड कीजिए, और कोई मसाला ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी से ये बहुत अच्छा बनेगा। आलू ऐड कर देंगे इसमें, और ये हरा धनिया जो हमने चॉप किया था वो ऐड कर दिया इसमें, इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा भूनेंगे हम इसको 2-3 मिनट के लिए। देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके सब। अब हम इसको कवर कर देंगे। सॉरी, हमको इसमें पानी ऐड करना है अभी। ये 1 गिलास पानी लिया मैंने, इसको ऐड करेंगे इसमें ताकि हमारी चिकन और हमारे आलू अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हमारी चिकन को पकते हुए। चिकन हमारी पक चुकी है, हमारे आलू भी गल चुके हैं। चेक कर लेते हैं हम चिकन हमारी गली की नहीं। चिकन हमारी गल चुकी है अच्छे से, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखा था। ये देखिए चावल हमने ऐड कर दिए हैं सब। इसी ग्लास से हमने 2 गिलास चावल लिए थे, तो इसी ग्लास से 4 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। पहले हमने 1 गिलास पानी ऐड किया था चिकन पकते टाइम, अब हम सिर्फ 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी हमने ऐड कर दिया, इसको मिला लेंगे अच्छे से। आपको हल्के हाथ से मिलाना है क्योंकि आलू हमारे गले हुए हैं वरना टूट जाएंगे। ये हाफ लेमन ऐड कर देंगे और इसको फुल फ्लेम पर पानी सूखने देंगे इसका। ये देखिए पानी सूख चुका हमारे पुलाव का। पुलाव हमारा दम देने के लिए रेडी है। इसमें हम थोड़ा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे, आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा पुलाव अच्छे से दम हो चुका है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए डिश आउट कर लिया है हमने, कितना अच्छा लुक आया है हमारे पुलाव का। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स।